स्टैटिस्टिक्स से हम अपने आप की संवेदनाओं को बंद करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में, आंकड़ों में एक जलती लाश की जो स्मेल होती है वो कभी नहीं आती है। किसी के आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने, कुछ नहीं बोलने पे आदमी मर जाता है। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैंने स्पीच नहीं दिया था, स्पीच नहीं था, एक नारा था सर, आई हैव इट ऑन माय लैपटॉप। नारा है, सीपी में नारा लगाया जा रहा है। हाँ सर, आपने एक नारा दिया था। क्या नारा लगाया था मैंने? जामिया के गद्दारों को नहीं, गोली जामिया मारो। नहीं बोला था सर, जामिया बोला था, मेरे पास वीडियो है। नहीं देश सर, के नहीं नारे सर, में देश नहीं है। नहीं, मैं तो आपको अभी बोलो, सर, आप अभी चलाइए मेरे को। सर बिल्कुल, मैं अगर उसमें जामिया है कि देश सर, है वो अभी भी चलाते हैं। अलीगढ़ भी है सर इसमें, और नहीं, लोग बोल रहे होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ वो बोलो आप। सर मैं दिखा सकती हूँ आपको, सर ये है वीडियो। जेएनयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को, एएमयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हाँ ये वीडियो है, ठीक है सर, करेक्ट। लोग ये नारे को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये एक छोटा छोटा एक ये बात करने योग्य भी नारा नहीं है, ये एक राइम है। वी आर टुडे विद मिस्टर कपिल मिश्रा, अ मेंबर ऑफ द बीजेपी इन दिल्ली। एक साल हुआ है दिल्ली के दंगे को, 1 ईयर, और एक साल पहले यह शहर जल रहा था। हमने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी को खोया है, कॉन्स्टेबल रतन लाल जी को खोया है, दिलबर नेगी, विनोद कश्यप, दिनेश खटीक, ऐसे न जाने कितने लोगों को खोया है। इसमें इसी सवाल पे मैं आपको बस ये बस पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने एक तरफ के लोग जो मरे थे उनका उनका आपने ब्यौरा दिया अभी, मगर दूसरी तरफ के भी लोग जो मुसलमान समाज के लोग हैं उनके तो काफ़ी ज़्यादा मरे, जो 53 लोग जो मरे हैं उसमें से 40 के लगभग तो मुस्लिम ही हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए। Just after this speech, violence breaks out in northeast Delhi, and many people obviously call your speech provocative, and you know it. People called me terrorist, dangai, hatyara. Sir, one year later, sir, do you regret anything that you said in that speech, and do you take any responsibility for the violence that? I am proud of what I did on 23rd of Feb. And if it happens like that again, I will do that again. आपने ये बोला है। एयरक्राफ्ट अहमदाबाद की सरजमी पर लैंड कर चुका है, जिसके साथ अहमदाबाद की सड़कें इस वक्त इंतजार कर रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत की, और ये एक झलक है। अच्छी तरह का हिंदुस्तान में ही रहा तुम। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को बुला लिया गया है। प्रधानमंत्री वहां उनके साथ व्यस्त थे, दिल्ली यहां तिल तिल करके जलना शुरू हो गया, खासतौर से कुछ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के इलाके। असली तबाही ह्यूमन टर्म्स में अंदर की गलियों में हुई। ये मीनार है ये, जिसमें झंडा लगाया था राजधानी पब्लिक स्कूल। राजधानी यहाँ पे जंगले गए ना, दीवारें छोटी नीचे वाली इस पे लग रही थी गुलाल, छोड़ी आ गए ना, बॉर्डर बन गया था। ये वही गैराज है। 14 फरवरी को तो शादी हुई थी और 25 फरवरी को खत्म, 11 दिन में खत्म। आंखों में आपको चीखे सुनाई देती है। तो मैं आपको ले चलता हूं दिसंबर 9 से दिसंबर 11 2019 में, जहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी। जो तीन देश है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तीनों राष्ट्रों के अंदर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये 6 मत के धर्म के पालन करने वालों के साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई। सबसे बड़ा सवाल, जिसके अंदर एक खास तौर से किसी की रिलीजन को एक्सक्लूड कराओ, जिन आदर्शों पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे संविधान की संरचना की थी उसके बिल्कुल विरुद्ध है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा देखी गई है एक राइट विंग हिंदूवादी पार्टी के तौर पे, तो जब ये बिल आया तो एक जबरदस्त तरीके से एक माहौल बना कि ये मुसलमानों को उनके सिटीजनशिप से वंचित करने वाला बिल होगा।
दिल्ली में एक इलाका है शाहीन बाग, एक सड़क जा रही है मेन रोड, उस मेन रोड के दोनों तरफ कुछ घर हैं। उस मेन रोड पर एक छोटा सा टेंट लगा के 20 से 25 लोग 14 तारीख को बैठे और उन्होंने कहा कि हम सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। अब क्योंकि ये मेन हाईवे था जो दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है, तो थोड़ी लोगों को दिक्कत थी लेकिन उतनी दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे करके ये नंबर बढ़ने लगा। जब ये नंबर बढ़ा तो ये एक ऐसा प्रोटेस्ट का इसने रूप ले लिया था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं फोरफ्रंट पे थी, और धीरे धीरे करके सारे मेनस्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स भी इसको दिखाने लगे और इंटरनेशनल हेडलाइंस ने इसको पिकअप किया। जो हेडलाइंस जा रही थी वो थी अ प्रोटेस्ट फॉर द कम्युनिटी लेड बाय वुमेन। अब जब आप लेड बाय वुमेन बोलते हैं तो उसमें 80 साल की औरतें भी थी, 90 साल की औरतें भी थी और 5 साल की बच्चियां भी थी। शाहीन बाग में जो लोग ऑर्गेनाइजर्स जो थे उनको ये लग रहा था कि अगर इसको जगह जगह किया जाए, दिल्ली में भी जगह जगह किया जाए और देश में भी अगर अलग अलग जगह इस तरीके की प्रोटेस्ट हों तो शायद सरकार पे ज्यादा दबाव बनेगा। अलीगढ़ के अंदर भी ऐसा एक छोटा सा प्रोटेस्ट चालू हुआ था। एनआरसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। 14 तारीख को जामिया के बच्चों ने तय किया कि वो एक मार्च निकालेंगे इस कानून के खिलाफ। जब वो 15 तारीख को अपना मार्च निकालने के लिए निकले तो पुलिस का भारी बंदोबस्त था। जहां पुलिस ने उन्हें रोका वहां पे कुछ झड़पें हुई। पुलिस का कहना है कि इसमें कुछ नकारात्मक तरीके के लोग पहुंच गए थे, कुछ क्रिमिनल प्रवृत्ति वाले लोग पहुंच गए थे। उन्होंने बसों को, सरकारी बसों को निशाना बनाना शुरू करा और उन्होंने 3 डीटीसी की बसों को रोका, तोड़ा और उसमें से 2 बसों में आग लगा दी। पुलिस सारा जामिया में गया हुआ है, सब जामिया में वहां उसको मार रहा है, सिगरे सब इधर भागा है। वो देखो, वो देखो, वो देखो बेटा, आजा आजा आजा, शाबाश, अब आया ना, अब आया। करीब 7 बजे के आसपास अचानक पुलिस का एक बहुत जबरदस्त मूवमेंट चला। पुलिस वालों के सामने जो भी आया, जैसा भी आया, एक जबरदस्त लाठी चार्ज और बल का प्रयोग करते हुए पुलिस जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर घुस गई, उसकी लाइब्रेरी के अंदर घुस गई। ये लाइब्रेरी में घुस गया। जो बच्चे वहां थे, क्या वो उसमें शामिल थे या नहीं थे, इसको बिना जाने उन सबको बेरहमी से पीटा। इसने एक बहुत बड़े तरीके से लोगों को आक्रोशित किया। इससे पहले कि मैं 15 तारीख से बाहर निकल जाऊं, एक और आपको घटना का याद दिलाना चाहता हूं। और मेरा कोई भी मोटिव इन जो जामिया में हुआ और जो घटना का बारे में वर्णन मैं आपको करने जा रहा हूं, उन्हें जोड़ने का नहीं है, लेकिन वो जरूरी इसलिए है बताना क्योंकि देश के प्रधानमंत्री झारखंड में दुमका में एक रैली कर रहे थे और रैली करते करते उन्होंने बोला कि हमारे देश की संसद ने अभी नागरिकता कानून से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव किया, लेकिन ये कांग्रेस वाले और उसके साथी क्या कर रहे हैं? हो हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं और उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है
वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग को चिन्हित करके लोगों को बताया कि यही लोग हिंसा करते हैं और यही लोग इस पूरे प्रोटेस्ट के खिलाफ है। और इस प्रोटेस्ट के बीच में, इस माहौल के बीच में, और माहौल में जरूर कहना चाहूंगा कि दिल्ली शायद बहुत डिवाइडेड था उस समय, पोलराइज दिल्ली के माहौल में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, जबरदस्त तैयारी चल रही है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो केजरीवाल, चला रे चला फिर अरविंद देखो, दिल्ली के हक लड़ कर लेने को। फरवरी 8 को चुनाव होने हैं, उससे पहले कैंपेनिंग चल रही है। अरविंद केजरीवाल, जिनको जबरदस्त बहुमत मिला था 2015 में, कोशिश में है कि दोबारा आ सके। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कमान संभाली हुई है अमित शाह जी के नेतृत्व में। देखिए क्या हो रहा तुझे ओ मेरी दिल्ली, ढोंगी धरने दे रहे उड़ा रहे हैं खिल्ली, अब जाग तू छेड़ राग तू, घर से निकल बुझा हर राग तू। तो जनवरी आते आते एक के बाद एक इस माहौल में, जिसको कहें कि डिवाइडेड माहौल था, उसमें इलेक्शन के चक्कर में आग में घी का काम शुरू हो जाता है। कुछ लोग शाहीन बाग में दिल्ली को बंधक बनाए हुए हैं। शाहीन बाग एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट थी। शाहीन बाग प्रोटेस्ट के साथ जो तो हमें इंडिया दिखाया गया और सीए वालों को पाकिस्तान दिखाया गया। अगर आप छोटे छोटे पाकिस्तान बनाओगे तो एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान जरूर खड़ा होगा इसके जवाब में। मित्रों, बटन दबाओ तक इसने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। दबाएंगे पक्का। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है, कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को पीछे दबा जानी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। एक तरीके से शाहीन बाग और प्रदर्शन करने वाले लोगों को देश का हिस्सा ना मानते हुए उन्हें बिल्कुल देश से अलग कर दिया गया। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत हुई, उनको बैन कर दिया गया कैंपेन से। इस बिल के आने के बाद से जितनी खुशी मेरे में है, शायद मैं शब्दों में अदा नहीं कर सकता हूँ। लाल चौक में गोली मारो देश के गद्दारों को, बहुत हो गया भाईचारा, लाते मारो को। इस तरीके से गोली मारो के बयान चल रहे थे, करंट लगाने के बयान चल रहे थे, डर का माहौल बनाया जा रहा था, उनको ये लोग करके एक पूरे तबके को अलग किया जा रहा था। 30 तारीख को एक जवान लड़का जामिया के प्रोटेस्ट पे पहुंचता है। स्टूडेंट्स वहां पर एक तरफ खड़े हुए हैं, बैरिकेड पुलिस का लगा हुआ है, और वो एक बंदूक निकालता है। और क्योंकि वहां पर लड़के लेंगे आज़ादी, सामंतवाद से आज़ादी, इस तरीके के नारे लग रहे हैं, कहता है मैं तुम्हें देता हूँ आज़ादी, और वो एक फायर कर देता है। दिल दहलाने देने वाली, डराने वाली तस्वीरें थी। शायद लगा कि इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा, पॉलिटिकल कैंपेन में कुछ चेंज आएगा, दिल्ली पुलिस के रवैये में कुछ बदलाव आएगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अगले ही दिन एक कपिल गुज्जर नाम का लड़का बंदूक लेके शाहीन बाग पहुंच जाता है। जय श्री राम। गोली क्यों चलाई? क्योंकि हमारे देश में मैं ऐसा नहीं चाह सकता। हमारा देश है हिंदू राष्ट्रवादी क्षेत्र, इसलिए आया फायर करने के लिए। हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। इतनी नफरत बोधी थी राजनीति ने, इतनी नफरत कि सही प्रोटेस्ट हो रहा है या गलत, उस पर ना जाकर उन लोगों को ही जड़ से निपटाने के लिए ऐसे जवान बच्चे बाहर निकलने लगे। आप पूछेंगे दिल्ली के चुनाव में बजरंग बली का क्या काम? तो काम तो पाकिस्तान का भी नहीं है, हिंदू मुसलमान का भी नहीं है, गोली मारने के फरमान का भी नहीं है। बजरंग बली तो तब भी सात्विक है। श्री गुरु चरण सरोज रज। 8 तारीख को वोटिंग है और 11 को गिनती,
तब तक सब स्वतंत्र हैं जय सियाराम और जय हनुमान करने के लिए। किसी को नहीं पता कृपा कहां अटक जाए और कहां से बरस जाए। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। वो सारी दिल्ली बोले जिससे लगे रहो केजरीवाल। और एक बार फिर दिल्ली के सिकंदर बन के उभरे अरविंद केजरीवाल, 62 सीटों से वो जीते। ब्रूट मेजॉरिटी जिसे एक बार फिर कहते हैं अंग्रेजी में, उनको फिर एक बार मिली। I love you. शुरू कर दिया गया, सबक को रोक दिया गया। एक मेट्रो लाइन जाती है और एक सड़क है, सड़क के इस तरफ हिंदू बहुल इलाका है, सड़क के दूसरी तरफ एक नाला है, नाले के उस तरफ मुस्लिम बहुल इलाका है। ये 22 तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये लोग क्यों वहां जाकर बैठे वो भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके दो दिन बाद यानी कि 24 तारीख को इस देश में एक बहुत बड़ी इवेंट होने वाली है। हम वादे करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे, आप लोग निकल कर आएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति उस दीमक को खत्म करेंगे जो कि पूरे एरिया को इन्होंने नष्ट कर दिया। प्रोटेस्ट चल रहा था धीरे धीरे, लोगों में गुस्सा तो था। जब इसमें कुछ हिंदू संगठन शामिल हुए इस CAA प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, तब लगा कि अब माहौल थोड़ा सा गर्मी पकड़ रहा है, चीजें बिगड़ सकती हैं। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान सभी आते हैं, 90% हिंदू आते हैं, बल्कि यहाँ पे 10% मोहम्मदन आते हैं। करने के बावजूद भी पीर बाबा तो सबको एक नजर से देखते हैं, यहाँ तो दुख पा के आते हैं वो और सुख लेके जाते हैं, खुशियां सबकी पूरी होती है यहाँ पे। कम से कम 300 आदमियों की भीड़ उस टाइम पे, कुछ मार धाड़ करने वाले, वैसे कुछ तमाशगीन भी थे साथ में, सारी दुकानें ये जला दी। उस मंदिर पर भी कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, मुसलमानों ने नहीं होने दिया। निभा नहीं, कोई किसी नाम से बुगाड़ता है, कोई किसी से, सबका मालिक वो एक है, किसी ने कुछ नहीं होने दिया। मोमडन से बढ़ के खड़े हो गए थे क्योंकि कुछ 5% मोमडन ऐसे भी थे कि हम ये करेंगे, अगर कोई नहीं करेगा, हमने किसी को करने नहीं दिया। तो मैंने आगे देखा जब, तो ये समझ लो गले में आग लग रही, सब जगह आग लग रही, लेकिन चद्दर पर दाग तक नहीं था बाबा की। पैसों की जलकर राख हो रही, 24-25 हजार रुपए थे कागज के और तकरीबन 3-4 हजार रुपए सिक्के थे, वो सिक्के जल जल कर जम गए थे गल्ले में लोहे के, लेकिन नोटों की तो राख हो गई थी। उसमें कपिल मिश्रा का एग्जाम्पल एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, बार बार लिया गया और उस एग्जाम्पल को कोट करा गया इस तरीके से दिखाने के लिए कि दिल्ली पुलिस एक तबके को समर्थन कर रही थी और एक तबके के खिलाफ काम कर रही थी। एयरक्राफ्ट अहमदाबाद की सरजमी पर लैंड कर चुका है, इसके साथ अहमदाबाद की सड़कें इस वक्त इंतजार कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत की और कुछ ही देर बाद वो भव्य नजारा होगा जब प्रधानमंत्री स्वागत करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप का। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड एक्सप्रेस्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू यू माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। हम सब खड़े होकर के मोटेरा स्टेडियम
में उनका एक बड़ा भाषण था, उससे पहले वो साबरमती आश्रम गए, मेलानिया ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप दोनों साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। जब वो साबरमती आश्रम में अहमदाबाद में थे, दिल्ली में बहुत कुछ घट रहा था। एक तरफ लाइव टीवी पर हम ट्रंप की बात कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं सबका ध्यान जो था वो दिल्ली पे वापस, शादरा पे वापस आता रहा, क्योंकि हर बीतते मिनट के साथ लगता रहा कि ये बढ़ रहा है। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को प्रॉपर्टी डैमेज करने में लग गई, जिसका घर दिख रहा था, जिसकी दुकानें दिख रही थी, वो सब एक एक करके जलाने लगे। कोई दिल्ली सरकार की तरफ से, कोई ना फोर्स की तरफ से, ना पुलिस की तरफ से, 3 दिन तक यहाँ बहुत तांडव मचता रहा। लोग आग लगाती रही, मार्केट लूटती गई, सामान चोरी होता गया। सबने रुमाल बंधे हुए हैं, किसी की शक्ल नहीं पता। 24 तारीख को यहाँ के कैमरे वगैरह जितने भी लगे हुए थे वो सब जला चुके थे। वो सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे थाने हैं यहाँ पर, बस यहाँ भी 3 दिन तक कुछ मतलब पुलिस प्रशासन की कोई भी जिम्मेदारी यहाँ उठा नहीं सकती, इतना बुरा हाल था। शाम तक लगने लगा कि दिल्ली में भय का पूरा माहौल फैल चुका है। देश की राजधानी की बात कर रहे हैं, देश की राजधानी की बात तब कर रहे हैं जब एक विदेशी अतिथि हमारे देश में आए हुए हों। दिल्ली यहां तिल तिल करके जलना शुरू हो गया। बहुत ज्यादा था तो उसको हमारे सामने छोड़ा। हमने बहुत जगह फोन करे, पता नहीं कि किसकी किस्मत से इस लड़के को तो छोड़ दिया उस दिन रात को धीरे धीरे, क्योंकि ये दो या तीन को जीटीवी से 2 बारी में लेकर आए थे, शायद एक साथ हॉस्पिटल से थाने नहीं लाए। या तो इसकी उम्र कम थी या इसको चोट ज्यादा थी, किस कंडीशन में छोड़ा ये वही जानते हैं, लेकिन फैजान और भी जो भी और थे वो साथ में ही थे। पुलिस वाले क्या क्या कह रहे थे उस वक्त, कुछ ऐसा याद? गाली वगैरह तो राष्ट्रगान कहने के लिए कह रहे थे कि राष्ट्रगान गाओ। बाकी वो वीडियो में अपने फोन पर अपने किसी दोस्तों को दिखा रहे थे। कहाँ पर चोट आई थी? सर में आई थी सर, ये फटा हुआ यहाँ से। और पूरे ना ये सब डंडों से, ये इतना मोटा मोटा सूजे हुए से जैसे कोस सा निकल जाता है, इस तरीके से सारा निकला हुआ था। आजादी कोई जाने को तैयार नहीं। फिर यहाँ पे एक हिंदू था, वो लेके गया अपने ऑटो में, हम 3 औरतें गए। सबसे ज्यादा रोल खतरनाक प्ले कर रहा था सोशल मीडिया, हमारा व्हाट्सएप। लोगों को मैसेजेस दिए गए, कितने मार दिए गए लोग, इतने मार दिए गए, बदला लेना है, यहाँ पे आ जाओ, वहां पहुंच जाओ, एक्स वाई जेड ने वहां इतने मार दिए। व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा प्रायोजित हिंसाएं शुरू हो गई, हिंदू मुस्लिम मोहल्लों को चिन्हित करना शुरू कर दिया गया। आपके मुताबिक जो वहां से भीड़ आ रही थी वो मुस्लिम भीड़ थी? मुस्लिम भीड़ थी। और जो इधर से भीड़ आई फिर वो हिंदुओं की भीड़ आई? वो पता क्या हुआ, जब मंदिर पे जब चढ़ाई करने चालू करी ना, जब इकट्ठा हुआ हिंदू। अच्छा, हाँ। तो मंदिर को कोई नुकसान भी पहुंचा ऐसे? मंदिर को नुकसान नहीं पहुंच पाया था, वो ग्रिल हिला रहे थे वहाँ से, फिर लोग इकट्ठे हो गए, फिर उन्हें खदेड़ दिया। ठीक है, फिर आपस में वो पत्थरबाजी होती रही एक दूसरे के लिए। अच्छा। फिर यहाँ पे बॉर्डर बन गया था, यहाँ थोड़ी आगे ना बॉर्डर बन गया था, सब लोगों से शटर पाड़े, फिर तेल छिड़का, जब आग लगाई इसमें, ये सब भरी हुई थी पूरी दुकान, बहुत माल था जी, सब जला के राख कर दी, और भर भर के पलते 5-7-10 रिक्शा भर के ले गए और फिर बाद में जला दी इसमें। कम से कम 2-3 दिन लगी रही आग, लगातार चलती रही, कोई ना पुलिस वाला कोई नहीं आया, सबने फोन करे, कोई पुलिस वाला नहीं आया। ये साबुन की टिक्कियां भी पड़ी है, ये तभी की पड़ी होंगी अंकल जी। देखो जी, ये सब चॉकलेट है जी, ये देखो, ये गुटके हैं, ये रे चेनी खेनी। बाहर के लोग आए और बाज लगाए, गाड़ी कम से कम 50 जलाई होंगी, सब तोड़ दिए, दीवार तोड़ दी, सब सारा इसका सारा सामान जला दिया, ऊपर सारा बिल्डिंग तहस नहस है,
फिर दिवाली वाली बीच की दीवार टूट गई पूरी, सारा तहस नहस ऊपर जाकर। भैया 24 तारीख को मेरा तो सब कुछ ही लूट गया, कुछ नहीं बचा। बिना कैमरा के कई जगह सुनने को मिल रही थी, कहीं पर मेरा कैमरा पर्सन अगर मुसलमान है तो वो मेरी जान बचा रहा है, कहीं पर मैं हिंदू हूं तो मैं अपने कैमरा पर्सन की जान बचा रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे जिनको समझ में भी नहीं आया होता है कि क्या हो गया, उनकी आंखों में आपको सवाल दिखते हैं, उनकी आंखों में आपको दर्द नजर आता है कि ये क्या हुआ है। उनकी जो आंखें होती हैं बिल्कुल सवाल बन के खड़ी होती हैं आपके सामने, छोटे से चेहरे में से आंखें एकदम मैग्नीफाई होकर सामने खड़ी होती हैं आपके कि ये क्या हो गया, ये क्यों हुआ हमारे साथ। मस्जिद को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया था, लूटा गया, यहाँ जो कुरान शरीफ रखे हुए थे कुरान शरीफ जलाई, सफ़े कालीन वगैरह सब कुछ जला दिया, कुरान भी दूर मतलब पूरी तरीके से डैमेज कर दिया मस्जिद को, किसी लायक नहीं छोड़ा। ये मीनार है, ये मीनार है ये जिसमें झंडा लगाया था। क्यों नहीं आए पुलिस वाले? पुलिस चाहती तो कंट्रोल कर लेती, दो घंटे के बाद क्यों आए? उस टाइम दो घंटे के अंदर अगर वो लोग चाहते तो लोगों को उनका धर्म देखकर मारे जाने लगा। अंकित शर्मा आईबी का स्टाफर था, ये बात बाद में निकली। वहां के लोगों का ये कहना है कि अंकित शर्मा भी मॉब का पार्ट थे और वो कई सारे हिंदूज को लेके जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका था उसके अंदर वो जा रहा था। ये चांद बार आ रहे थे जो ताहिर हुसैन के साथ के लोग थे, ये बताया जाता है कि अंकित को इन लोगों ने खींच लिया और उसको मारपीट करने के बाद कुछ शार्प इंजरीज भी थी, चाकू भी मारे गए कुछ मारे, उसके बाद उनको नाले में बॉडी को फेंक दिया। हमने ओला कैब करी, ओला कैब करके हमने जैसे घर की तरफ रुख किया तो हम खजूरी तक पहुँचे। खजूरी खास में पुलिस बैरिकेडिंग लगी हुई थी और आग लगी हुई थी, तो वहाँ से उन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया। फिर उससे थोड़ा सा और आगे चले तो रबड़ फैक्ट्री चौक पर पहुँचे। रबड़ फैक्ट्री चौक पर काफ़ी भीड़ थी और उन्होंने हमें रोका, मेरा नाम पूछा गया तो मैंने अपना नाम कृष्णा बताया, तब उन्होंने नाम के बेस पर जाने दिया। तो हम घर पे आ गए हिफाजत के साथ, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता था, जो ओला वाला भाई हमें हिफाजत से घर पहुंच रहा था हमारा भी फ़र्ज़ बनता था कि वो भी हिफाजत से घर जाए। मैंने उनको बताया भाई साहब माहौल अभी ठीक नहीं है, अभी कुछ देर और रुक जाइए, जब ठीक होगा जब चले जाइएगा। फिर मुझे थोड़ा सा क्या था, ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे सब इलाके में लोग जानते हैं, नेचर वाइज किसी के साथ मैंने गलत नहीं किया तो कोई मेरे साथ भी गलत नहीं करेगा, तो मैं उनको ले कर चलने लगा। और जब चलने लगा तो कई जगह रोका तो देखा, फिर उन्होंने जाने दिया। गोकलपुरी फ्लाईओवर तक मैं उनको छोड़ कर आया, जब वहाँ से वापस एकदम मुड़ा तो देखा तो बहुत बड़ी भीड़ थी, वो पीछे बहुत तांडव मचा रही थी, आग और पत्थर और नारेबाजी हुटिंगबाजी पूरी चल रही थी। तो एकदम मेरे सामने से एक जो हमारे लोकल के ही थे नरेश त्यागी, उन्होंने मेरे सामने फायर कर दिया और वो फायर मेरी आँख पे लगा। अनर्थ भी कर देता है, अनर्थ हो भी रहे हैं बहुत। चौदह फरवरी को तो शादी हुई थी,
और 25 फरवरी को ख़त्म, 11 दिन में ख़त्म। तो हमारी तो खुशियों में तो आग लगा दी ना लोगों ने। जवान बेटे का गम कितना होता है माँ बापों के लिए, ये तो हर इंसान को पता। अजीत डोभाल का वहां जाना संयोग नहीं, बड़ी बात है। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का संज्ञान लिया और अपने सबसे विश्वसनीय अधिकारी को वहां भेजा। अरे HM साहब ने हमें भेजा, तो हम अकेले थोड़ी आए, PM साहब के हुक्म से आए, HM साहब के हुक्म से आए। सरकार की कोशिश थी एक मैसेज देने की कि दंगे खत्म, और अजीत डोभाल के आने से ना सिर्फ फोर्सेस का मोराल बूस्ट हो बल्कि लोगों में भी ये मैसेज जाए कि आप सुरक्षित हैं। जिन चीजों को जलाया गया था, जिन दरवाजे खिड़कियों को, जिन मोटरसाइकिल्स को जलाया हुआ था, उनकी जले हुए अवशेषों से ही अपनी गली में ब्लॉकेड लगाए हुए थे लोगों ने कि ताकि कोई और एंटर ना कर सके। तो अपनी ही जले हुए सामान से अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। ये पहले नहीं देखा था। पांच भाई थे, तो मैं बैठा था तो उसके भाई के मैंने कंधे पे हाथ रखा और ध्यान गया, उसने ऊन की जैकेट पहनी हुई थी, जैसे ऐसी जैकेट थी, और जहां पे उसका चेहरा झुका हुआ था वो पूरी जैकेट जो थी वो गीली थी, उसका एक एक आंसू टपक रहा था और वो जो जैकेट है उस आंसू से पूरी भीगी हुई थी। फोटोग्राफ तो वो नहीं बन रही थी कुछ, उसमें कोई फोटोग्राफिक चीज नहीं थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो जो पेन था उसका साइलेंट पेन, वो आज भी पूरा अंदर तक बसा हुआ है। और मैंने फोटो देखी थी जो मेरे दिमाग से उतरती नहीं है, एक आदमी सफ़ेद कुर्ते पजामे में और टोपी पहने हुए ज़मीन पे पड़ा हुआ है, हाथ जोड़ रहा है और लहूलुहान है, और चारों तरफ उसके मुंह पे कपड़ा बांधे लोग से मारने के लिए बैठे हुए हैं। राइट्स अपने आप में वरी की चीज़ नहीं है, वरी की चीज़ ये भाव है जो क्रिएट कर देता है ये सिचुएशन कि अब इस कम्युनिटी के लोगों के साथ जो भी आप करो वो जायज़ है। ये सेंटिमेंट अक्सर उस सिचुएशन में किया जाता है जहां कोई ना कोई किसी ना किसी का जो इस सेंटिमेंट से फायदा उठा रहा है। पर नहीं, ये दंगे होने नहीं चाहिए भैया, वैसे किसी के साथ भी नहीं होने चाहिए दंगे, क्योंकि घर चाहे किसी के भी। दिल्ली में शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर दिल्ली में ऐसा हुआ। और कोई अगर कहे कि ये सिर्फ गुस्से में हुआ, एक विशेष समुदाय में गुस्सा था, कम से कम मैं उस बात को नहीं मानता। एक सुनियोजित ढंग से दिल्ली में ये करवाया गया। निकले तो यही सोच रहे थे कि आप इतनी उम्र में भी इतनी हिम्मत बांधे हुए हैं और मुस्कुराहट से हम लोगों से मिल रहे हैं, मतलब हम भैया आप क्या बताऊँ, बस उनकी आंखों में आपको सवाल दिखते हैं, उनकी आंखों में आपको दर्द नजर आता है कि ये क्या हुआ है। मैं दिल्ली हूं, ओहे भगवान प्लीज सरे दाड़ा बाड़ा, एखन शशान शांतिते शहर, एखन लाश गुनार समय, पोस्टमार्टम रिपोर्टे जाना जाबे रक्तेर जात परिचय। ओहे आल्लाह, हुरपरीदेर साथे मस्तिते ईरानियों सुराकरो पान,
এখন নেই প্রার্থনার সময়, হাঁটু বেড়ে বসার অবসর, আগুন নেভাতে হবে। হে আমার প্রিয় হিজড়া দেশনেতা প্রেমিক, আজ রাতে তোর সাথে আর ছোদাছুদিটা হবে না, শোনা হবে না তোর মন কি বাত। জ্যাবজ্যাবে সিমেন্ট রক্ত মিশ্রিত বিজয় মর্দানি, আমি এখন জাফরাবাদ গোকুলপুরী, আমি এখন চাঁদবাগ গোরস্থানে কবর খুঁজছি, শ্মশানে সন্তানের লাশ নিয়ে কাঁধে, আমি জিটিবি হসপিটালের বেডে রক্ত দিতে শুয়ে, আমি ধ্বংসস্তূপে জীবনের উষ্ণতার খোঁজে, জীবন এমন হয় মেনে নিয়ে, আমি শান্তি মিছিলে আর একবার রাস্তায়। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने कुछ नहीं बोलने पे आदमी मर जाता है। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। खटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, बोलेंगे वो मारे जाएंगे।